पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना के द्वारा पत्रकारों के साथ दुखद घटना और दुर्व्यवहार के संदर्भ में ज्ञापन सीएम के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में पत्रकारों के हित में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। पत्रकारों के सशक्त संगठन आइसना के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव के मार्गदर्शन में नीमच जिला कलेक्टर अजय गंगवार को पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और दुखद घटनाओं के विरोध में देश भर के मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों ने स्थानीय घटनाओं पर भी जोर दिया और बेलगाम लोगों पर लगाम लगाने की मांग की। पत्रकारों ने ज्ञापन में घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि नीमच में बीते दिनों तार्किक मुद्दों पर बाइट लेने पहुंचे पत्रकारों के साथ तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी ने अभद्रता की। नीमच में बीते दिनों जीरन में डोडा चुरा पकड़ने की कार्यवाही पर समाचार लिखने पर अज्ञात आरोपी द्वारा पत्रकार महेश जैन को जान से मारने की धमकी मिली। हाल ही में नीमच जिले के जीरन के पत्रकार गण जब एक समाचार के संदर्भ में जानकारी लेने जीरन पहुंचे तो वहां पुलिस अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ असंगत व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में शामली में पटरी से उतरी मालगाड़ी पर स्टोरी करने पहुंचे पत्रकार अमित शर्मा से जीआरपी जवानों ने मारपीट की। प्रतापगढ़ राजस्थान के रठांजना थाना क्षेत्र के गांव थड़ा में एक पत्रकार देवीलाल मालवी को गोली मारी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटो मीम शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इन सभी घटनाओं पर विरोध दर्ज करवाते हुए पत्रकारों ने पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की, साथ ही विभागीय अधिकारियों से सम्मानजनक व्यवहार करने के सख्त आदेश देने की मांग की।